तो यहाँ रास्ते में छोटी छोटी बच्चियाँ पथरी खेल रही हैं। पथरी का मतलब होता है पत्थर से खेलना। ये जो थेड़ी है ना, इसकी आंखें देखिए, एक दूसरे कलर की है और एक दूसरे कलर की है। और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं तेज हवा से जौ टूट तो नहीं गई। मेरे सासू जी लोगों के टाइम पर जौ की रोटी भी खाते थे और किरमोड़ बाद में खाने के लिए भी होते हैं, यानी कि इस पे फल लगते हैं। तो रास्ते पे चलते चलते हमको देखिए इतने सारे लंगड़े मिल गए हैं, स्वेटर भी पहन रखी, टोपी भी रख रखी, और यहाँ देखिए आग भी जला दी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल हमेशा शाम होते होते मौसम बारिश आने के लिए हो रहा है और कभी कभी तो तेज़ बारिश हो रही है और कभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आजकल चैत बैसाख के टाइम पर पहाड़ों में काफ़ी तेज़ हवा चलती है, बिल्कुल आंधी आ जाती है जिससे बादल छट जाते हैं। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा के साथ त्रिगुनान गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। और सामने वाली पहाड़ियों पर देखिए काफ़ी नीचे तक बर्फ़बारी होने लगी है। कल शाम को भी काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हुई जिससे काफ़ी नीचे तक पहाड़ियों पर बर्फ़बारी हो रखी है। किचन गार्डन में आलू बोने के बाद अभी भी किचन गार्डन का काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी टाइप की सब्जियों के बीज बोए जाते हैं जो कि गर्मियों के टाइम पर खाने के काम आते हैं। अभी मुट्ठी भर के मेरे पास बीज हैं और ये मैंने पानी में भिगोने के लिए रखे हुए थे। ये बीज हैं कड़वा करेला के, और जो ये ब्लैक ब्लैक कलर के बीज दिखाई दे रहे हैं ना, ये बीज हैं मीठे करेले के। और ये जो मोटे मोटे फूले हुए हैं ये कद्दू के बीज हैं और कुछ लौकी के बीज भी हैं। अभी तेज़ आंधी तूफान आने लग गया है, एक बार तो बारिश आने के लिए हो गया था लेकिन मुझे लग रहा है हवा से बादल बिल्कुल छट जाएंगे। तो मेरे पीठ पे ये मलखुनी है, इसमें एक कुदाल भी रखी हुई है मैंने। सबसे पहले गोबर ले आते हैं और हमको चाहिए कच्चा वाला गोबर, क्योंकि जो ये कद्दू के बीज है ना वो कच्चे गोबर में जल्दी उग जाते हैं। साथ में लौकी के बीज भी बोएंगे, तो ये मुट्ठी भर बीज मैंने आज ही बोने हैं। उससे पहले गौशाला की साइड चलते हैं। तो यहाँ रास्ते में छोटी छोटी बच्चियाँ पथरी खेल रही हैं। पथरी का मतलब होता है पत्थर से खेलना, और ऐसे लाइन टाइप की बना रखी रहती हैं, उसको हमारी गढ़वाली भाषा में राज बोलते हैं। हम भी बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। बोलो कैसे खेलते थे? मीन देखें है? कर दे? हाँ अच्छा, मैं तो भूल गई कदा नहीं कैसे ये बोल रही। ऐसे नहीं करते, बोला कैसे करते हैं? पत्थरी तो छोटी हुई, तुम्हारे पत्थर देखो इतना छोटा सा रखा हुआ है। और जब हम छोटे थे ना, हमने बना बना के पत्थर ऐसे किए रहते थे ना, बिल्कुल गोल सा बनाते थे। ये तो छोटे हुए। और इसका नियम ऐसे होता है कि अगर लाइन में पड़ गया ना तो आउट होता है, अगर पैर भी पड़ गया ना ऐसे वो आउट माना जाता है। नहीं तनी वन ना पक्का। अच्छा, तो ये बालेसा लोगों की गौशाला है और दीदी जी मुझे कह रही हैं कि यहाँ से गोबर भर ले, क्योंकि यहाँ पे दो जगहों पे ढेर लगा रखी है गोबर की। और इनके रोठे में देखिए, इसको रोठा बोलते हैं, इनके रोठे में देखिए बहुत सारे जानवर बांधे हुए हैं। दो बैलों की जोड़ी होगी, एक गाय होगी, एक गाय का छोटा बच्चा हो गया, एक भैंस का बच्चा हो गया, एक भैंस होगी, और एक सिंगल बैल है उसके साथ का, पिछले साल मर गया था। और ये जो थेड़ी है ना, इसकी आँखें देखिए, एक दूसरे कलर की है और एक दूसरे कलर की है, एक वाइट वाइट टाइप की है। बच्चे ना बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे गाय का बच्चा हो चाहे भैंस का बच्चा हो। मैं गोबर की कंडी भरने ही वाली थी, तब तक दीदी जी ने कहा कि मैं भर के देती हूँ, क्योंकि अभी अभी इसने इधर से सफाई की, बोला इधर से भर ले। तो जो कच्चा गोबर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, और पीठ पर मैंने ऐसा शॉल भी रख दिया क्योंकि कच्चे गोबर से ना पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है। कद्दू और लौकी की बेल काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी दूर दूर तक फैलती हैं, और हमारे इधर साइड छोटे छोटे ठूंदे बनाए जाते हैं। इधर साइड में कद्दू के बीज बोऊंगी और लौकी के बीज दूसरे साइड बोऊंगी, क्योंकि अगर एक ही जगह पे बोएंगे तो बेलों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। बीज बोने के बाद अभी मेरी तैयारी होगी है घर से थोड़ा सा ऊपर अपने एक बड़े से खेत में जाने की। वहाँ पर मैंने जौ की खेती करी हुई है। थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ हवा हुई, तो एक बार देखने के लिए चलती हूँ कहीं हवा से जौ टूट तो नहीं गए हैं। अगर टूट गए होंगे तो उनको खड़ा करके बांध देंगे, और अगर नहीं टूटे होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको भी दिखाते हैं हमारा बड़ा सा खेत और उसमें किस तरह से खेती हो रखी है। आजकल गांव में सरसों निकाला जा रहा है, तो दीदी जी भी खेतों से सरसों निकाल के आ गई हैं। और इस सरसों के बाहर से देखिए साड़ी लपेट रखी है, जिससे सरसों की फलियों से अगर बीज गिरेंगे तो इसी साड़ी में गिरेंगे, इधर उधर नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर एक गौशाला है, उन्होंने अपनी गाय भैंस अंदर बांध रखी हैं, और ये गाय देखिए बाहर झाँक रही है दरवाजे से।
थोड़ा सा ऊपर आने पर देखिए इस बड़े से खेत में आलू की खेती करी हुई है और साथ ही इधर साइड के बड़े से खेत में जौ की खेती करी हुई है और जौ की बालियाँ देखिए बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और इन पे ये जो कांटे टाइप के होते हैं ना, इनको कीस बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। चलते चलते हम अपने घर के काफ़ी ऊपर अपने बड़े से खेत में पहुंच गए हैं और हमारा खेत उधर साइड से जहां पे वो साड़ी लगाई हुई है वहां से और उधर तक है। इस बड़े से खेत में हमने जौ की खेती करी हुई है। कुछ जौ के पौधों पर देखिए बालियां आ गई हैं और इधर साइड नहीं आए हैं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा सीलन वाला एरिया है और जौ तो काफ़ी अच्छे हैं। कहीं कहीं पर बिल्कुल छोटे छोटे से जौ हैं, शायद गोबर की कमी हो गई होगी। और ऊपर ऊपर साइड देखिए कितने बड़े बड़े जौ हैं, कहीं पर हाइट ज़्यादा हो रखी है और कहीं पर कम हो रखी है। और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं तेज़ हवा से जौ टूट तो नहीं गए, अगर टूट जाते ना तो फिर जौ पक भी नहीं पाते हैं, फिर ये जो जौ का न्यार है ना वो भी सड़ जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। फिर अभी तक तो सारी जगह खेत में जौ काफ़ी अच्छे हैं, देखते हैं क्या होता है। पकने तक तो अभी काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान ओले वगैरह पड़ेंगे। यहाँ से ऊपर जितने भी हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं इन सभी खेतों में जौ की खेती हो रखी है। और इस बड़े से खेत के किनारे पर मैंने काफ़ी टाइम पहले कुछ सेब के पौधे लगाए थे और ये देखिए एक छोटा सा सेब का पौधा यहाँ पर, उस पर नई कुपल भी आ रखी हैं। और इस खेत के किनारे किनारे मैंने काफ़ी सारे सेब के पौधे लगाए थे जिससे खेत में काम करने के लिए भी डिस्टर्ब ना हो और ना ही पौधों को डिस्टर्ब हो। और ये देखिए यहाँ पर दीदी लोगों की भैंस, हेलो, और उसका बच्चा भी उसके साथ है, ये देखिए। और इधर साइड खेतों में सब ने बाड़ करी हुई है, ऊपर ऊपर देखिए ऐसी साड़ी वगैरह लगा रखी है। उधर साइड उन्होंने आलू की खेती करी होगी ना, तो आलू के खेत में सुअर वगैरह घुस जाते हैं। ऊपर ऊपर साइड देखिए सारी जगह ऐसे धोती लगा रखी है। हमारे इस खेत के बगल में जिन दीदी लोगों का घर है उन्होंने देखिए अपनी गौशाला में कुछ इस तरह से सूखी घास स्टोर करके रखी हुई है। काफ़ी सारी घास अभी उनकी बची हुई है और आज मेरे साथ हस्बैंड जी भी आ रखे हैं खेत में जायजा लेने के लिए। कितने दिनों के बाद आए अपने खेत में? पाँच है ना, बहुत कम आना होता है खेतों में। और पूरा देख रहे हैं खेत कहीं पे जौ खराब तो नहीं हो रखे हैं। मेरे सासू जी लोगों के टाइम पर जौ की रोटी भी खाते थे और आजकल के टाइम पे जौ की रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे की और मंडवे की रोटी खाते हैं हमारे इधर साइड। और जौ के ना सत्तू खाते हैं, जौ को एक बार भुना जाता है उसके बाद उसको चक्की पे पीसने के लिए दिया जाता है और सत्तू का टेस्ट ना गजब का होता है। अगर जिसके पेट में भी गर्मी होती है ना, सत्तू खाने से पेट की गर्मी निकल जाती है। खेत से वापस आने के बाद अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी होगी है जठो जी के घर पे जाने की। और हस्बैंड जी के हाथ पे एक बड़ा सा थैला है, इसमें जठो जी का सामान है, दो थमाली हैं और दो रस्सी हैं। बालेश्वर भी हमारे साथ आ रहा है तो सॉल्ट रास्ते से अब चलते हैं। और यहाँ पर से बच्चों का गेम देख रहे थे, वो वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं इंटर कॉलेज के फील्ड में। और यहाँ से देखिए हमारा नया घर भी दिखता है। और रास्ते में ना काफ़ी सारे चूली और खुमानी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पे मोलियार आ रखा है और इन पे छोटे छोटे फल भी लग रखे हैं। जठो जी बरामदे में बैठकर हमारी राह देख रही हैं और जठो जी के घर के नीचे काफ़ी सारी दुकानें हैं जिनमें काफ़ी सारे प्रकार का फास्ट फूड बनता है। और आज यहाँ से हम ले जाने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे चाय के साथ खाने के लिए। चारों तरफ हरियाली के साथ साथ आजकल सभी पेड़ों पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के फूल खिले हुए हैं और साथ ही इन कटीली झाड़ियों पर भी देखिए येलो कलर के फूल खिले हुए हैं। और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में किरमौर बोलते हैं और किरमौर बाद में खाने के लिए भी होते हैं, यानी कि इस पे फल लगते हैं, हिंदी में इसको किनगोड़ा बोलते हैं। और इन फूलों की खुशबू ना आजकल वातावरण में फैली रहती है, बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है इन फूलों पर। जठो जी के घर को जाने वाले रास्ते पर काफ़ी सारा फर्न उगा हुआ है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में ऊना बोलते हैं, जो ये बड़ा बड़ा है ना इसको ऊना बोलते हैं। और जब इन पे मोलार आता है तो ये कुछ इस तरह होता है, इसको लेंगड़ा बोलते हैं। तो हम लेंगड़े की सब्जी निकालने वाले हैं यहाँ से, यहाँ पर काफ़ी सारे लेंगड़े हो रखे हैं। तो रास्ते पे चलते चलते हमको देखिए इतने सारे लंगड़े मिल गए हैं, हम दो ही लोग खाने वाले हैं तो इतने लंगड़े हमारे लिए काफ़ी हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लंगड़े हैं। और आज रात को हम इसकी सब्जी बनाएंगे। जठो जी तो शाम के टाइम पर किचन में बैठी रहती हैं और मस्त मज़े से आग जला रखी है,
ठंडा हो रहा है। जेठो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, ठीक से? बस बड़े ठीक ठाक सिंह तुम भी? जेठो ठंडी है नहीं तब आइए जेठ थेर का जेठो। शाम के टाइम पे हवा चल रही है, आपको ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है बेबू की रेंड ते जरा आराम भी तो। स्वेटर भी पहन रखी, टोप भी रख रखी, और यहाँ देखिए आग भी जला दी। आज तो चूल्हे की लिपाई हो रखी अच्छे से। ये देखो चिकनी मिट्टी से लिपाई कर रखी है, और पीछे तो एक पतीले में पानी जरूर होता है। ये पहाड़ी गीजर का काम करता है। समोसे यहाँ प्लेट में रख दिए हैं, और चाय भी चढ़ा दी है जेठो जी ने। गर्मा गर्म समोसे है ना जेठो जी? मीठी चाय बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, गरम गरम चाय में गरम गरम समोसे खाना। अभी तो गरम गरम समोसे है भाई ये। जेठो जी के साथ यहाँ किचन में आग सेकते सेकते बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, और मैंने जो लंगड़े निकाले थे वो मैंने पानी में धोने के लिए रख दिए हैं, और इनसे देखिए छोटे छोटे बाल निकल गए हैं। जेठो जी का भी बहुत ज़्यादा मन था लंगड़े खाने का, तो हमने सोचा आज यहीं से डिनर करके भी चले जाते हैं घर। जेठो जी भी लंगड़े की सब्जी खा लेंगे और हम भी डिनर कर लेंगे। तो अब इन लंगड़ों को चूनते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं चूनना, यानी कि हाथ से ऐसे अलग अलग करते हैं। इसको चाकू से नहीं काटते हैं क्योंकि इसके अंदर से एक ग्लू टाइप का निकलता है, और हाथ से तोड़ने पर उतना ज़्यादा नहीं निकलता है। तो यहाँ प्लेट में मैंने लंगड़ों को काट दिया है, और चूल्हे पर जेठो जी दाल छौंकने लग गई हैं। दाल फ्राई करने के बाद अब हम लंगड़े की सब्जी को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चूल्हे पर हमने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम एक छोटा गिलास पानी का डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और उसके बाद हम ऊपर से लंगड़ा डाल देंगे और एक ढक्कन से ढका देंगे, और इसको अच्छी तरह से पकने तक उबालेंगे। तो लगभग 5 मिनट के बाद लंगड़े अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं, और उबलने के बाद देखिए ये कम हो गए हैं। तो अब इसको निकाल देंगे इस प्लेट पर, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जिस कढ़ाई में हमने लंगड़े बॉयल किए हैं उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और इसमें हम लगाएंगे सरसों का तड़का। सरसों अच्छी तरह से चटक गई है, और अब इसमें हम बॉयल लंगड़े डाल देंगे। जेठो जी और मैंने मिलके यहाँ पे आज का डिनर बना दिया है। हस्बैंड जी डिनर करने लग गए हैं, और आज के टेस्टी डिनर में है राली रोटी, उसके साथ पहाड़ी स्पेशल लंगड़े की सब्जी और राजमा की दाल। तो चलिए जी, डिनर करने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई है जेठो जी के घर से वापस अपने घर पे जाने की, और यहाँ पर से सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।